बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रीक नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़ुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कों के लिए किया जाता है। ज़रीक के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है बर्ड्स नेम, उर्दू मायनी है एक परिंदे का नाम, यानी ज़रीक एक परिंदे का नाम है। ज़रीक नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफ़रिस्त है बारबाडोस, नंबर दो पर है मलाइशिया और नंबर तीन पर है पाकिस्तान। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं इतवार, मंगल और जुमेरात। नंबर एक को इस नाम के अफराद के लिए मुनासब समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। तांबा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शुमार किया जाता है, जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं सुनहरी, नारंगी और सुरख। जबकि सब्ज़ कीमती पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुनासब समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये लोगों के लीडर बनकर इनको अपने पीछे चलाना चाहते हैं और ख़ुद लोगों के हीरो बनना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।